नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पंजाब के एडवोकेट जर्नल पर हमला मूसेवाला केस में सुनवाई के लिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट लौटते वक्त करनाल के पास पत्थर से अटैक। ममता बनर्जी ने पानी पूरी बनाकर खिलाई, दार्जिलिंग पहुंची थी बंगाल की सीएम, बांग्लादेशी को देखकर बोली इसे भी खिलाओ। नए संसद भवन के अशोक स्तंभ पर विवाद, विपक्ष बोला राष्ट्रपति के चिन्ह में शेर बदले गए, इन्हें आक्रामक और क्रूर दिखाया गया। तेज बारिश के बाद मुंबई में हाई टाइड, गुजरात में 69 की मौत, नागपुर में नाले में बही कार, महिला समेत 3 लोगों की गई जान। मुख्तार अब्बास नकवी बोले बढ़ती जनसंख्या किसी धर्म की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या। रेप के बाद मॉडल को मारने की कोशिश, मुजफ्फरनगर में लड़की बोली मेरे साथ इंस्टाग्राम रील बनाता था, अब मार देना चाहता है। 1.5 घंटे थाने में मैं बैठा आया, नवजात बच्ची की मौत, जेठ ने गोद से छीन कर फेंका था, महिला बेटी की लाश लेकर एसपी से मिली। टीटी परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की संपत्ति होगी कुर्क, 22 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार, 4 फरार चल रहे। नर्सिंग की मार्कशीट के लिए 4थी मंजिल पर चढ़ा युवक, कानपुर में पुलिस ने करीब 5 घंटे बाद बिल्डिंग से नीचे उतरवाया। कार में मुंह बोले मामा ने किया बैड टच, स्कूल में एडमिशन दिलाने के बहाने ले जाकर छेड़छाड़ की, साहिबाबाद थाने में एफआईआर। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे देश छोड़कर भागे, इस्तीफा देने के बाद मालदीव पहुंचे, संसद में अतिरिक्त राष्ट्रपति का ऐलान आज। 2023 में भारत की आबादी चीन से ज्यादा होगी, यूएन का दावा, इस साल 15 नवंबर को वैश्विक जनसंख्या 8 अरब हो जाएगी। 104 दिन बाद रूस और यूक्रेन फिर तुर्की में दोनों देशों की मीटिंग, यूक्रेन में बच्चों की मौत की जांच करेगा यूएन। अंतरिक्ष के शुरुआत की झलक सामने आई, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भेजी पहली तस्वीर, नासा ने कहा हम 13 अरब साल पीछे देख रहे हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दी गई अंतिम विदाई, जोजोजी मंदिर में दिवंगत नेता को दी श्रद्धांजलि। 48 साल बाद टीम इंडिया ने रचा इतिहास, पहली बार इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया, बुमराह ने झटके 6 विकेट, रोहित धवन बल्ले से चिपकाए। मोहम्मद शमी ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने, अगरकर को पीछे छोड़ा। रोहित के सिक्स से छोटी बच्ची घायल, डेविड विली की गेंद पर हेडमैन ने पुल शॉट मारा था, 5 मिनट के लिए मैच रुक गया। लंदन में भी योगी की चर्चे, ओवल मैदान पर बुलडोजर का पोस्टर लेकर पहुंचा योगी का समर्थक, कानून व्यवस्था की तारीफ की। ग्रेट मैराथन रनर मोहम्मद फरा का खुलासा, मेरा असली नाम हुसैन अब्दी कहिन है, बचपन से मुझे फिटनेस पर। मिस इंडिया सिनी शेट्टी बोली फिटनेस के लिए जिम जाना नहीं बल्कि मेंटली मजबूत रहना ज्यादा जरूरी है। कॉफी विद करण की हुई वापसी, शो में सारा ने अपने एक्स को बताया सभी का एक्स, वरुण ने फेवरेट सेक्स पोजीशन के बारे में बताया। रणवीर हुए ट्रोलिंग का शिकार, रणवीर सिंह ने जंगल में बेयर ग्रिल्स को किया किस, यूजर्स ने किया ट्रोल। डंकी के डीओपी में कहा फिल्म को अलविदा, राजकुमार हिरानी से
क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण अंतिम अमित रॉय ने छोड़ी फिल्म। सुनील शेट्टी की बेटी की शादी, 3 महीने बाद शादी करेंगे केएल राहुल और आथिया शेट्टी, कपल की फैमिली ने तैयारियां शुरू की। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।